मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। एक्टर सलमान खान और सिंगर अरिजीत सिंह के बीच आपसी विवाद काफी पुराना है। इस विवाद की वजह से अरिजीत को सलमान की कई फिल्मों में गाने का मौका मिलने के बावजूद गंवाना पड़ा, लेकिन हाथ से गए इन मौकों को अरिजीत ने हाल ही में अपने कॉन्सर्ट में पूरा किया। दरअसल अरिजीत ने सलमान के हिट नंबर दिल दिया गल्ला को स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान गाया। खबरों के मुताबिक इस गाने को अरिजीत फिल्म में गाने वाले थे, लेकिन दबंग खान की नाराजगी के चलते उनके हाथ से ये मौका चला गया। ऐसे में इस खूबसूरत गाने को अरिजीत ने स्टेज पर गाया, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है। सिंगर की आवाज में इस हिट गाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। आपको बता दें, इन दिनों अरिजीत सिंगर टूर पर निकले हैं। उन्होंने अपने कई सुपरहिट नंबर फैंस को सुनाए, वहीं उन गानों को गाने का अरमान भी पूरा किया जो उनके हाथ से किसी वजह से निकल गए थे। फिल्म टाइगर जिंदा है के ओरिजिनल नंबर दिल दिया गल्ला को फिल्म में पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने गाया है। सलमान और अरिजीत के बीच विवाद साल 2014 में गिल्ड अवार्ड्स के दौरान शुरू हुआ था। अवार्ड शो के दौरान आशिकी 2 फिल्म के गाने तुम ही हो के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड के तौर पर अरिजीत को चुना गया। इस अवार्ड को देने के लिए मंच पर सलमान और रितेश देशमुख मौजूद थे, जो कि शो को होस्ट कर रहे थे। इस वाक्य के बाद फिल्म सुल्तान में जब सलमान द्वारा अरिजीत के गाने को हटाए जाने की खबर चर्चा में रही, तब अरिजीत ने फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखकर खुद को भाईजान का फैन बताते हुए उनसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सलमान का इस पर कोई जवाब नहीं आया। खैर, सलमान खान की ये नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।